आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा कि बाहर से आने वाले यात्रियों का रेलवे स्टेशन पर कराया जा रहा है टेस्ट। वैक्सीनेशन में लाई जा रही है तेजी की अपील। कहा, रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू कोरोना रात्रि कर्फ्यू और कोविड प्रोटोकॉल का सभी लोग करें पालन। शासन ने शनिवार से प्रदेश के सभी जनपदों में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लगाया रात्रि कर्फ्यू। एसपीसीडी ने कहा, रात्रि कर्फ्यू का कड़ाई से कराया जा रहा है पालन। लोगों से की अपील। कहा, रात 10 बजे तक अपना काम खत्म करके जाएं अपने घर, करें रात्रि कर्फ्यू का पालन। नगर निगम के नवनिर्मित सदन भवन का जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने किया औचक निरीक्षण। कार्यों को शीघ्र पूरा करने के अधिकारियों को दिए निर्देश। कहा, 29 दिसंबर को मुख्यमंत्री सदन भवन का कर सकते हैं लोकार्पण। भाजपा की जनविश्वास यात्रा का गोरखपुर में जगह जगह पुष्प वर्षा के साथ हुआ ऐतिहासिक स्वागत। कहा, मोदी योगी के नेतृत्व में निरंतर विकास की ओर अग्रसर है देश और प्रदेश। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई केंद्र और राज्य सरकार द्वारा सोशल सेक्टरों में संचालित विभिन्न योजनाओं से संबंधित बैठक। सभी पात्रों को पेंशन आदि का पूरा लाभ देने के दिए निर्देश। आईटीएमएस कंट्रोल रूम का एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने किया औचक निरीक्षण। आईटीएमएस कार्यालय से चौराहे पर लगे कैमरे से शहर के जाम के लिए जानकारी। सड़क के किनारे खड़े वाहनों को शीघ्र खाली कराने के दिए निर्देश। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव नवीन कुमार सक्सेना मीडिया से हुए रूबरू। कहा, प्रदेश की जनता अखिलेश यादव की सरकार बनाने के लिए है तत्पर। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा बैठक। सभी निर्माण कार्यों को 10 जनवरी तक पूरा करने के दिए निर्देश। गुरु गोविंद सिंह की माता गुजर कौर और चार साहेबजादों के शहादत दिवस पर महानगर में जटाशंकर गुरुद्वारे से निकाला गया नमन यात्रा। जटाशंकर गुरुद्वारे के अध्यक्ष ने कहा, चार साहेबजादों के बलिदान दिवस को सरकार बाल दिवस के रूप में करे घोषित। और हिंदी साहित्य में उत्कृष्ट योगदान देने वाले रुद्रदेव नारायण श्रीवास्तव को एक संस्थान ने किया सम्मानित। युवाओं से की अपील। कहा, देश व समाज हित में करे कार्य।